गाइस क्या हो अगर आप स्टेयरिंग की हैवीनेस और लाइटनेस को कंट्रोल कर पाए, अब कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये है MG एस्टर। और अराउंड 700 किलोमीटर हमने इसे ड्राइव कर लिया है और ड्राइव करने के बाद मैंने पर्सनली फील किया ऐसा कि ये जो कार है वो मोस्ट अंडररेटेड कार है अपने सेगमेंट की। क्योंकि गाइस क्रेटा और सेल्टोस जैसी कार्स का आपने इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और वो कहीं ना कहीं डिजर्व भी करती है अपना नाम, बट ये कार भी किसी से कम नहीं है और ये चीज़ आपको डेफिनेटली तब फील होगी जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करेंगे। अब गाइस पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप माइलेज के शौकीन हैं या फिर एक ऐसी मिड साइज एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छी माइलेज दे, तो शायद ये कार आपके लिए उतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन ये बाकी चीज़ों में आपको डेफिनेटली पसंद आएगी जो कि होगा कम्फर्ट, स्पेस, लुक्स, फीचर्स एंड सेफ्टी। पहले तो गाइस इसका आप लुक देखेंगे तो काफी हद तक इसका लुक जो है वो मर्सिडीज की GLA से इंस्पायर्ड है। स्पेशली ये जो आप हेडलैम्प्स वाला पार्ट देखेंगे ना, ये आपको प्रॉपर GLA वाला लुक ऑफर करेगा। बाकी इंटीरियर्स हैं लाजवाब, ऐसा फील होगा कि आप कोई लग्जरी कार में बैठे हैं। अगर बात करें इंजन ऑप्शन की तो हमारे पास जो इसका इंजन ऑप्शन है वो है 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वर्जन, और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 138 BHP ऑफ पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 5 दिन में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इस कार से रिलेटेड वो चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैं पॉजिटिव पॉइंट भी रखूंगा आपके सामने और नेगेटिव पॉइंट्स भी रखूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो यहाँ पे जो आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बाकी हेडलाइट्स का जो थ्रो है नाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, हमने इसे डे और नाइट जब से आई है इनफैक्ट तब से इतना ज्यादा यूज कर लिया है, मतलब छोटे मोटे काम के लिए भी हम इसे यूज कर रहे थे। कार की रोड प्रेजेंस जो है वो काफी कमाल की है। और दूसरा ये जो रेड कलर ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, वो इसकी रोड प्रेजेंस को बढ़ाता है। पहले तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर इनेबल करने में हेल्प करेगा आपको। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको AI इनसाइड की बैजिंग देखने को मिलेगी। वो बैजिंग ये बताती है कि ये जो कार है वो उसमें MG ने कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे MG का AI असिस्टेंट मिलता है, जिसके बारे में हम अंदर जाके थोड़ी देर में बात करेंगे। ये है MG का AI असिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये जो फीचर है वो आपको क्रेटा या सेल्टोस जैसी कार से एस्टर की तरफ खींच लेगा, लेकिन हाँ ये जो फीचर है वो MG ने दिया है तो काफी ज्यादा यूनिक लगता है और उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है जो कि टेक लोडेड कार के शौकीन होते हैं। इसे एक्टिवेट कैसे करना है, यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है स्टेयरिंग पे, ये मैंने प्रेस किया और ये आप देख सकते हैं मेरी तरफ ये टर्न हो चुका है। हेलो MG, ओपन सनरूफ। तो ये मैंने कमांड दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं सनरूफ इसकी ओपन हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए आता है, काम AC भी कंट्रोल करेगा आपका। और दूसरा क्या होता है कि जब आप ड्राइव करेंगे ना तो बीच बीच में आपको कई बार जोक सुना देगा कोई, कई बार वेदर बता देगा, और अगर आप गाड़ी अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ एक कंपेनियन बैठा है। बाकी यहाँ पे आपको ADAS की बैजिंग देख सकते हैं आप, ये बताती है कि Level 2 ADAS आपको MG ऑफर कर रही है इस कार में। बूट स्पेस ओपन करने का तरीका जो है वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि VW स्टाइल में यहाँ पे बूट स्पेस ओपन होता है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 488 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है, 4 से 5 लोगों का लगेज होगा वो आराम से फिट हो जाएगा लॉन्ग जर्नीस के लिए। तो ये मैंने पार्सल ट्रे अभी रिमूव कर दी है और यहाँ से आप प्रॉपरली एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि जो 60-40 स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे जो स्पेस बचता है वो काफ़ी अच्छा है, पूरा भी आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं जो कि है। और यकीन मानिए इतना बूट स्पेस बच जाता है कि आप यहाँ से आराम से कुछ ऐसे कार से बाहर भी आ सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है और AC की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है मुझे। और गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा भी नहीं है कि ये नई कार है बिल्कुल, और वैसे भी ये मीडिया व्हीकल है तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे ड्राइव किया है, बट स्टिल अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट मुझे फील नहीं हुई है जो कि आपके लिए डील ब्रेकर साबित हो पाए। पीछे वाली सीट का जो कम्फर्ट है वो भी अगेन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और अच्छी बात यह कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी, दोनों ही जगह आपको रेड ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं। बट ये जो फीचर्स है वो आप सभी को पता है, लेकिन मैंने क्या फील किया 5 दिन में वो मैं आपको बताता हूँ। कार में जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको जो चीज़ मज़ेदार लगेगी वो लगेगी इसकी कंफर्टेबल सीट। कार जो है वो वैसे भी स्पेशियस है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्रेटा और सेल्टोस से तो क्रेटा से ज़्यादा विड्थ आपको उसमें मिल जाती है, लेंथ भी ज़्यादा मिल जाती है आपको उसमें, हाइट भी ज़्यादा मिल जाती है, तो कार जो है वो काफ़ी रूमी फील होती है। दूसरा मुझे इसकी जो अपॉल्स्टी है रेड कलर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, जो भी इस कार में बैठा मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली मेम्बर्स, उनका फर्स्ट जो रिएक्शन था वो यही था कि अरे वाह यार रेड इंटीरियर आपको मिल रहे हैं। बस गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ की कमी फील हुई है, वो ये हुई है कि काश इन फ्रंट सीट में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन MG ने प्रोवाइड कर दिया।
होता तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट होता। दूसरा, मुझे किस चीज़ की कमी लगी, मुझे लगी कि मुझे बार बार इन वायर्स का यूज़ करना पड़ रहा है अपने मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी MG ने ऑफर नहीं की। जबकि हेक्टर में आती है वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी और बाकी दूसरी कार्स में भी आती है सेगमेंट की, लेकिन यहाँ पे ऐसा फीचर का ना होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। लेकिन जो चीज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की वो ये की कि ईडास लेवल 2 ईडास जो आपको इसमें मिलता है ना गाइस, उसमें जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है वो किया है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को। दूसरा गाइस, एक और चीज मुझे यहाँ पे पसंद आई कि ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन भी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली दिल्ली और NCR जैसे रीजन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम ड्राइव करते हैं अपनी कार को हाई स्पीड में और हमें पता नहीं चलता कि हम परमिसिबल स्पीड लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें जो आपको ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन मिलता है जो कि ईडास का ही पार्ट है, वो चीज आपकी डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे कि सामने कोई साइन बोर्ड आता है स्पीड लिमिट का, उसको रीड करके आपकी स्पीड को उसी समय कम कर देता है। तीसरा जो मुझे इसका अमेजिंग फीचर लगा वो लगा कि स्टीयरिंग की आप एडजस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन मोड्स दिए गए हैं, डायनेमिक, नॉर्मल और अर्बन आपको यहाँ पे मोड मिलता है। अभी अर्बन क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि हम सिटी में हैं। सिटी में क्या होता है, अर्बन सेलेक्ट करने में इतना ज्यादा लाइट हो जाता है स्टीयरिंग व्हील कि आप एक फिंगर से ही, लिटरली एक फिंगर से इसे ड्राइव कर सकते हैं। फिर आता है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में आपको ज्यादा लाइटनेस भी फील नहीं होगी और बहुत ज्यादा हैवी भी फील नहीं होगा। लेकिन गाइस जो मेरा फेवरेट है वो है डायनेमिक मोड। डायनेमिक मोड में क्या होता है कि जब हम गाड़ी को हाईवे पे ड्राइव करते हैं, हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं, तो स्टीयरिंग जो है वो बहुत हैवी फील होता है और हाई स्पीड में ड्राइव करने में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा, जो कि जनरली आपको जर्मन कार्स में फील होता है। अब गाइस वैसे तो MG बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है एस्टर में, लेकिन जो फीचर आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर। लेकिन इसका जो 3D व्यू है या इसका जो ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी है ना, वो किसी भी तरह से ऐसा फील नहीं कराती कि हम एक 20 लाख वाली कार का 360 डिग्री कैमरा देख रहे हैं। क्योंकि जब ये कार इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, तब बहुत ही कम कार ऐसी आती थी जो आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर कर रही हो। लेकिन अब क्या है ना, काफी सारी कार्स में ये फीचर आने लगा है, तो अब उन कार्स को देख के एस्टर का जो कैमरा क्वालिटी है वो हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। अब गाइस इसके अलावा मैं आपको एक और फीचर बता देता हूँ जो कि यहाँ से मिसिंग है, वो है ड्राइव मोड। जैसे कि इको मोड होता है, एक नॉर्मल मोड होता है, एक स्पोर्ट मोड होता है। क्या होता है ना, इको मोड जब कार्स में दिया जाता है तो माइलेज क्या होता है, लोग बचा लेते हैं, जिनकी आदत है हार्श एक्सेलरेशन करने की, तो उनको पर्टिकुलरली इको मोड पे ड्राइव करके ज्यादा अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है। ऑल राइट गाइस, तो इसमें जो आपको इंजन ऑप्शन मिलते हैं वो वैसे तो दो तरह के मिलते हैं, जिनमें से एक है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं वो है 1.3 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। अब ये जो इंजन है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव तो है, लेकिन गाइस अगर आप इससे अच्छी खासी माइलेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसे ड्राइव करने से पहले। कैलकुलेशन भी क्या है, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप हार्श एक्सेलरेशन करते हैं तो ये गाड़ी आपको कभी भी अच्छी माइलेज नहीं देगी। अगर हम इसे प्रॉपरली 2000 RPM तक, इसे 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके चलते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये माइलेज आपको सिटी में 9 से 10 किलोमीटर तक पर लीटर तक की भी दे देती है। अभी क्या है, MID में 8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज शो हो रही है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि अभी देख सकते हैं 8.5 हो गई है। तो जैसे अगर आप ड्राइविंग हैबिट्स अपनी सही बनाएंगे, यानी कि 2000 RPM के नियर अबाउट इसे ड्राइव करेंगे 50 से 55 की स्पीड में, तो वो सिटी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको मिलती है 138 bhp ऑफ पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको इस 1.3 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिल जाता है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ सिटी में, हाईवे पे तो ड्राइव कर नहीं रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं अर्बन स्टीयरिंग मोड सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने अर्बन सेलेक्ट किया, ओ माय गॉड, ये इतना लाइट हो गया है कि जैसे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा इसे मोड़ने में, मतलब कि आप एक फिंगर से भी, लिटरली एक फिंगर से भी आप इसे टर्न कर सकते हैं। ऑल्दो आप वो करना मत, लेकिन आप इससे पहचान सकते हैं कि कितना लाइट ये स्टीयरिंग व्हील हो गया है। अब गाइस मुझे MG से थोड़ी सी एक शिकायत ये है कि MG ने इस वाली कार में ड्राइविंग मोड्स ऑफर नहीं किए, जो कि आपको ज्यादातर कार्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इको मोड होता है या नॉर्मल मोड होता है या स्पोर्ट मोड होता है, वो चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आपको D और S मोड मिलते हैं। इसे S मोड पे लगाना है तो ये हो गया स्पोर्ट मोड। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन गाइस इसमें आपको बहुत ज्यादा ना स्टिफ मिलते हैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिलते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अर्बन और ये आपको नॉर्मल मोड जो मिलते हैं उससे आप स्टीयरिंग का फीडबैक चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बॉनेट इतना ज्यादा विजिबल हो जाता है कि बहुत ही ईजी है जज करना। बाकी ए पिलर जो है वो थोड़ा सा थिक है यहाँ पे, बट उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कार में आपको 3-सिलेंडर इंजन मिल रहा है 1.3 लीटर का, लेकिन मजाल नहीं है कि आप ये बता पाए कि भाई किसी तरह की इसमें वाइब्रेशन है या किसी तरह की हार्शनेस है।
हाँ नॉइज जो है वो आपको बाहर आएगी कार के, अंदर आपको नहीं आएगी। कैबिन की इंसुलेशन इस तरह से की गई है कि आपको बिल्कुल क्वाइट इंटीरियर इसके फील होंगे। ये AI असिस्टेंट है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहता है बीच में, डिस्टर्ब के भी क्या करता है, कभी जोक सुना देगा, कभी आपको वेदर फॉरकास्ट बता देगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं इस कार को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार है वो 37,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। ओडोमीटर पे आपको देखने को मिल जाएगी रीडिंग। और ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी लोग इसे हार्शली ड्राइव करते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल होता है या कोई मीडिया व्हीकल होता है तो जनरली लोग उसे रफ एंड टफ ही यूज करते हैं। लेकिन 37,000 किलोमीटर रफ एंड टफ यूज होने के बावजूद भी स्टीयरिंग रैक से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, कहीं सस्पेंशन का इशू तो नहीं है, तो मुझे अभी तक इस कार में कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। कमाल की है, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये अटेन कर लेती है नियरली 10 सेकंड्स में। डिपेंड करता है आप किस मोड पे ड्राइव कर रहे हैं, डी मोड पे या फिर एस मोड पे। एस मोड पे हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा और फास्ट हो सकती है, 10.35 सेकंड्स के आ रहा हूं। बाकी आप हमें नीचे कमेंट्स बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।